गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ जनसारी किशोर। टुडे आई विल टीच इन स्टैंडर्ड 10 द मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 6। द नेम ऑफ द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 2। इन लास्ट लेक्चर आई हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 77 एंड इन पेज नंबर 78 I have completed that letter, okay, which was written by Wanda Petroxy. Wanda Petroxy ने जो टीचर को लेटर लिखा था वो लेटर कम्प्लीट हो गया है। नाउ लेट्स गो अहेड। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्रॉइंग वेरी केयरफुली। अभी जिस तरह से वंडा ने टीचर को इन्फॉर्म किया था, द सेम थिंग टीचर ने जो पर्टिकुलर ड्रेस था वो पेगी और मैडी उसको दे दिया, और बाकी जो गर्ल्स थी क्लास में उनको अपनी तरह से ड्रेस दे दिया। जब ये ड्रेस लेकर मैडी और पेगी स्कूल से घर की ओर आ रहे थे तो दे हेल्ड दे ड्राइंग वेरी केयरफुली। अपना जो ड्राइंग था यानी जो ड्रेस का ड्राइंग था वो केयरफुली वो लेकर जा रहे थे। All the houses said wretched and holy in the window. हर एक जो घर था एकदम जो विंडो से वहाँ पर एक्चुअली ये जो हॉलीडेज आने वाले थे, यानी जैसे स्कूल में क्रिसमस की वजह से डेकोरेशन किया था, इसी तरह से हर एक जो घर था हर एक घर में जैसे डेकोरेशन था, कहीं से भी विंडो से देखोगे घर में किसी के भी घर में तो अलग अलग तरीके से डेकोरेशन था। Outside the grocery store, hundred of Christmas trees were stacked up. जो grocery store था उसके बाहर देखा तो hundreds of Christmas tree, यानी ये जो grocery store वाला था वो बेच रहा था, तो अलग अलग hundreds of Christmas tree थे, were stacked, वो एक stack करके रखे थे। And in the window, candy, peppermint sticks and cornucopies. Cornucopies में decorative containers. ओके, तो पेपरमेंट स्टिक थी उसमें अलग अलग जैसे फ्लावर्स लगे हुए थे, ओके, और अलग अलग फ्रूट्स थे, यानी इन शॉर्ट ये पूरा जो डेकोरेशन का सामान था क्रिसमस ट्री ये सब वहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर था वहाँ पर थे, और उसके साथ बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें कि जो जनरली लोग क्या करते थे परचेस करते, तो ये सब चीज़ वहाँ पर थी। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, ओके, जो हवा में भी जैसे ऐसे स्मेल आ रही थी कि क्रिसमस चल रहा है। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर इन अ स्नो, एंड जो क्रिसमस की जो लाइट थी वो भी ऐसी चमक रही थी अलग अलग कलर में, और उस टाइम पर पूरे जो मैंने बोला कि भाई आसपास में एरिया स्नो से भरा हुआ था, तो अलग अलग लाइटिंग की वजह से जो स्नो था वो भी अलग अलग कलर में दिख रहा था। बॉय सेड पेगी, पेगी ने कहा, बॉय दिस शोस सी रियली लाइक्स अस। पेगी ने कहा कि इससे ये पता चलता है कि सी लाइक अस, हमें वो पसंद करती है। इट्स शोस सी गॉट अवर लेटर, उससे भी पता चलता है कि हमारा जो लेटर था वो उसको मिल गया है। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, इसलिए उसने हमें कहा है कि यहाँ पर हर एक चीज़ कैसी है, ठीक है, बढ़िया है। एंड दैट इज़ दैट, और यही है होगा, आई होप सो, मैं ये सोच रही हूँ, सेड मैडी सैडली, मैंने बोला एकदम उदास होकर दुखी होकर कहते, सही बात, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ कि हमारा जो लेटर था उसको मिल गया होगा। सी फेल्ट सेड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन धैम। उसको ये दुख था कि वो अभी कभी भी ये जो पॉलिश गर्ल थी यानी वंडा पेट्रोक्सी उसको वो कभी भी मिल नहीं पाएगी, और उनके बीच में जो ये अनबनाव था यानी जो प्रॉब्लम था वो उसको कभी भी फेस टू फेस वो सॉल्व नहीं कर पाएगी। ओके, ओनली लेटर के थ्रू वो बोल सकती है, लेकिन सामने फेस टू फेस कभी उसको भी ये वंडा को मिल पाएगी नहीं, ये बात का उसको अफसोस था, दुख था मैडी को। ओके,
शी वेंट होम एंड शी पिन हर ड्रॉइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन द बेडरूम। तो ये जो मैडी थी वो घर पर गई, उसने जो ड्राइंग जो वंडा ने जिस तरह से टीचर को कहा था, इस तरह से उसको मैडी को जो ड्राइंग मिली, वो ड्राइंग उसने अपने जो बेडरूम था उसमें दीवार पर एक पिंक फ्लावर वॉलपेपर था वो जहाँ से फट गया था, तो वहाँ पर उसने क्या किया, वो ड्रेस की जो ड्राइंग थी वहाँ पर लगा दी। द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम अ ब्रिलियंस ऑफ कलर। ये जो रूम था पहले जैसे सेबी था, यानी कोई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये पिक्चर को लगाने के बाद ये पिक्चर में जो अलग अलग कलर थे कि ब्रिलियंसी कलर की वजह से जो रूम जैसे अलाइव हो गया, यानी जिंदा हो गया था। यानी इन शॉर्ट ये रूम जैसे अभी रूम जैसा लग रहा था, अभी तक ये रूम जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जैसे उसने वो दीवार पर लगाया तो रूम जैसे अलाइव हो गया। कि फिर से रिपीट करते हैं, सी वेंट होम एंड सी पिन हर ड्रॉइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन अ पिंक फ्लावर वॉलपेपर इन अ बेडरूम। तो उसने अपने बेडरूम में, उसके पूरे रूम में एक पिंक फ्लावर वॉलपेपर लगा था, जहाँ से वो फटा था वहाँ पर उसने ये जो ड्राइंग जो वंडा के कहने से टीचर ने उसको दी थी, वो ड्रेस की जो ड्राइंग उसने वहाँ पर लगा दी। द सेबी रूम केम अलाइव, क्योंकि जिसकी वजह से जो सेबी रूम था वो जैसे अलाइव हो गया फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रिलियंट यानी चमकदार कलर थे। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठ गई एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और अपने बेड पर बैठकर वो जो ड्राइंग थी जो वंडा के कहने से टीचर ने उसको दी थी, वो ड्राइंग को ऑब्जर्व कर रही थी। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो थोड़ी देर खड़ी रही लेकिन कुछ बोली नहीं। बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे, क्योंकि वो खड़ी रही कुछ बोली नहीं, लेकिन उसको लगा कि वंडा रियल में नाइस थी, वंडा बहुत ही अच्छी लड़की थी, कि ऐसा वो क्या करती है, फील करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो मैडी और पैगी है वो दोनों अपने घर से स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, वे होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। बीच में बहुत सारी जो दुकानें थी वो दुकानों में सब जगह, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर की ग्रोसरी शॉप थी, तो वहाँ पर बहुत सारे क्रिसमस ट्री थे, दूसरे भी जो उसको क्रिसमस ट्री को डेकोरेटिव करने के लिए जो जो चीज़ें थी वो भी वहाँ पर लगी थी, और हर एक घर में अब हर एक घर को डेकोरेट किया गया था। यानी हर एक घर में देखोगे कहीं पर भी तो हर एक घर में क्या था, डेकोरेशन था, क्योंकि क्रिसमस का माहौल था और सब जगह जैसे क्रिसमस सा लग रहा था। इवन जैसे हवा में से जो स्मेल आती थी वो भी जैसे क्रिसमस की स्मेल आती थी, ऐसा वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, और हर एक जगह जो स्नो था, लेकिन ये क्रिसमस की वजह से जो अलग अलग लाइटिंग थी तो जो स्नो था वो भी अलग अलग कलर में रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो दिख रहा था। ओके, उसके बाद बात की है कि ये पैगी बोलती है, बॉय मुझे लगता है कि उसने हमें माफ़ कर दिया है, और दूसरा हमारा लेटर उसको मिल गया है, इसलिए उसने कहा कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है। क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था कि भाई आपकी जो न्यू स्कूल है और न्यू रहने की जगह वो कैसी है, तो इसीलिए उसने कहा सब कुछ यहाँ पर ठीक है और ये मैं ठीक हो गई, मैं ऐसा सोच रही हूँ। मैडी बोलता मैं भी ऐसा सोच रही हूँ, और वो दुखी टोन में ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी वो वंडा पेट्रोक्सी को अभी कभी भी फेस टू फेस मिल नहीं पाएगी, और उनके दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम था उसको कभी भी वो फेस टू फेस उसको सोल्व कर पाएगी नहीं, यानी फेस टू फेस कभी भी अपनी गलती के बारे में माफ़ी जो मांगनी थी वो कभी भी मांग पाएगी नहीं, ऐसा उसको लग रहा था। चलो ध्यान रखो भी आगे, सी वेंट होम एंड पिन हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न पेपर प्लेस इन अ पिंक फ्लावर वॉलपेपर, ये तो हो गया ना। हाँ, बट वंडा हैड बीन नाइस टू एनी, उसमें वंडा लेकिन दिल में बहुत ही अच्छी थी। चलो नेक्स्ट, टीयर ब्लड हैड आइस एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अ पिक्चर। टीयर ब्लड हर आइस, उसकी आँख में से आंसू निकल रहे थे, जो मैडी थी मैडी की आँख में से आंसू निकल रहे थे, वो पिक्चर के सामने गेज यानी देखते रहना, ओके अपनी आँखें को दूसरी तरफ देखे बिना उसने क्या किया, क्लियरली वो जो गेज्ड पिक्चर यानी जो ये पिक्चर
जो वंडा की तरफ से उसको मिला था वो पिक्चर को क्या करती है, देखती रहती है। देन हास्टिली सी रब्ड हर आइस, उसके बाद उसने फटाफट अपनी आंखों को क्या क्या पोछा, क्यों पोछा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उसने वो पिक्चर को फिर से ध्यान से इंटेंटली ऑब्जर्व करती है। द कलर्स इन हर ड्रेस वेयर सो विविड दैट सी हैड स्कैर्सली नोटिस्ड द फेस, तो ये जो कलर थे जो ड्रेस के वो इतने अच्छे थे, तो टीयर्स ब्लर हर आइस, उसकी आँख में से आंसू आ गए और वो पिक्चर को ऑब्जर्व कर रही थी, तभी उसके बाद उसने अपनी आँख में से जो आंसू थे उसको क्या किया, पोंछ डाले और उसने वो पिक्चर को ध्यान से देखने लगी। द कलर इन द ड्रेस वेयर सो वीड, वो ड्रेस में इतने अलग अलग कलर थे दैट सी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एट हेड ऑफ द ड्रॉइंग, कि उसने वो कलर को ही ऑब्जर्व कर रही थी जिसकी वजह से उसने ये जो ड्रेस के ऊपर जो हेड था वो उसको उसने ऑब्जर्व ही नहीं किया था, लेकिन अभी उसका ध्यान वहाँ पर गया। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन जब उसने उसको देखा ध्यान से तो उसको लगे अरे ये तो मेरा ही क्या है, चेहरा है, मेरी का है। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, उसको लगा कि ये तो मेरा ही माउथ है। वाई इज रियली लुक्ड लाइक हर ऑफ सेल्फ, ओके, उसको लगा ये तो खुद के ही, यानी ये जो ड्रेस था, ड्रेस के ऊपर जो हेड था वो हेड किसका था, मेरी का था, और ये वंडा ने इसी तरह से बनाकर उसको दिया था, लेकिन वो जो चेहरा था वो जनरली दिखाई नहीं देता, अगर कोई उसको ध्यान से ऑब्जर्व करे तभी वो दिखाई देता था। अभी जब मेडी ने उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया तब उसको पता चला अरे ये तो मेरा ही चेहरा है, मेरा ही माउथ है। ओके, वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, वंडा ने रियली ये मेरे लिए क्या किया है, ड्रॉ किया है। एक्साइटेडली सी रन ओवर टू पेगिस, अभी उसको जो पता चला कि मुझे जो पिक्चर दिया उसमें मेरा चेहरा है, तो जो पेगी को जो पिक्चर दिया है डेफिनेटली उसमें पेगी का चेहरा होगा। नाउ सी न्यू अबाउट दिस थिंग, बट पेगी को शायद पता नहीं होगा, तो टू इन्फॉर्म द पेगी, वो एक्साइटेड होकर एकदम भागती हुई पेगी के वहाँ पर गई और कहती है पेग सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, पेग मुझे आपका पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क द पेगी, पेगी बोला उसमें क्या हुआ, क्या मैटर है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वंडास ड्रॉइंग वॉज लाइंग, उसने अपने रूम को जैसे ढूंढने लगी कि भाई कहाँ पर उसने वो वंडा की ड्रॉइंग रखी है, तो जहाँ पर पड़ी थी वहाँ से उसका पिक्चर उसने उठाया। फेस डाउन ऑन द बेड, ओके, मैडी केयरफुली रेज्ड इट, तो उसने वो अपने बेड पर पड़ी थी पेड़ में से उसको उठाकर जरा ऊपर किया और दिखाया। लुक सी ड्रू यू, ध्यान से देख ये जो वंडा थी उसने आपको ड्रॉ किया है, दैट्स यू, ये आप हो। सी एक्सक्लेम्ड, ये उसने सरप्राइज होकर पेगी को कहा, मैडी ने। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक अ पेगी, और वो जो ड्रेस था, ड्रेस के ऊपर जो हेड था वो हेड एग्जैक्टली किसकी तरह था, ये पेगी की तरह था, यानी ये जो ड्रो था वो पेगी का बनाया था, यानी जो मेडी को जो पिक्चर दिया था उसमें मेडी बनाई थी और ये जो पेगी को जो ड्रेस दिया उसमें पेगी का ड्रो किया था। व्हाट डिड आई से, सेड पेगी, ओके, तो व्हाट डिड आई से, पेगी ने कहा, सी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे, वो रियली वो हमको क्या करती थी, पसंद करती थी, यानी हमसे कोई उसको गिला सिकवा नहीं था, वो हमको पसंद करती थी। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी बोलते सही बात है, वो हमसे अच्छी तरह से बिहेव करती थी और हमको वो पसंद करती थी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टोडिडली ओवर अ ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ आफ्टर सी हैड सेड श्योर अ हंड्रेड ऑफ देम ऑल लाइन अप, तो बोलती यस, ये बात के मेडी एग्री करती है। उसकी आंखें उसने ब्लिंक की क्योंकि वो कभी भी वंडा के बारे में सोचती है तो उसकी आंख में से टीयर्स यानी आंसू आ जाते हैं, और एवरी नाउ एंड देन जब भी वो उसके बारे में सोचती है तो वो आंसू निकल जाते हैं, और वो अकेली, उसको वो पिक्चर सामने आता है कि वो अकेली खड़ी है स्कूल यार्ड में और आसपास में बहुत सारी लड़कियाँ का ग्रुप है, एंड दे गर्ल्स आर लाफिंग, ओके, जब ये वंडा पेट्रोक्स वहाँ से वॉक कर चली जाती है
तो ये जो सब गर्ल्स है वो ज़ोर ज़ोर से क्या करती है, हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है और उसको जैसे क्वेश्चन ही करते बार बार कि श्योर 100 ड्रेसेस ऑफ ऑल लाइन अप, क्या क्या उसके पास श्योर 100 ड्रेसेस हो गए और वो भी लाइन अप, यानी जब उसने पूछा था ये क्वेश्चन तो उसने आंसर बोला मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो वो लोग उसकी बात पर मजाक उड़ाते थे। ओके, तो आंसर दे श्योर आई हैव 100 ड्रेस एंड ऑल आर लाइन अप। तो ये बात को वो बार बार रिपीट करके, यानी दे आर ट्राइंग टू मेक द लाइक अ टीज टू वंडा, वंडा की आवाज़ में आवाज़ निकाल कर वो बार बार यही बोलते कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, ये बोलकर जैसे उसको टीज करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 ये कम्प्लीट होता है। फिर उसमें एक पोएम है, तो पोएम भी हम क्या करते हैं इसमें कम्प्लीट कर देते हैं। तो ये जो पोएम है जिसका नाम है एनिमल्स, ओके ध्यान रखो, तो द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहे, पोएट का नाम है वॉल्ट व्हाइटमैन, तो वो सच बता रहे कि भाई मुझे इंसान के साथ घर पे रहने से बेटर है, मुझे एनिमल के साथ रहना अच्छा लगता है। ओके, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमंस, वुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। ओके, तो ये जो चीज़ है उसको अच्छी लगती है, यानी एनिमल के साथ रहना अच्छा लगता है, तो उसके बारे में बात किए। तो देखते हैं पोएम क्या बता रही है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन। तो यहाँ पर ये जो वॉल्ट व्हिटमैन वो कह रहे हैं कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, टर्न आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं एनिमल के साथ रहूँ, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन, वो एकदम बिंदास है और वो सेल्फ कंटेन है, सेल्फ कंटेन यानी वो संतोषी, उसको कुछ जो भी है दे आर सेटिस्फाइड, उनके पास जो चीज़ है उससे वो खुश है। जनरली क्या करते हैं इंसान के पास जो भी चीज़ है वो कभी उसमें कंटेन नहीं होती, वो सेटिस्फाइड नहीं होती, उसको और चीज़ चाहिए, लेकिन ये जो एनिमल है वो सेल्फ कंटेन है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड मैं खड़ा रहूँ एंड लुक एंड देखना एकदम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ और वो एनिमल को लॉन्ग लॉन्ग तक यानी दूर दूर तक देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी भी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेन नहीं करती अपनी कंडीशन के बारे में, उनकी जो भी हालत है जो भी कंडीशन में है वो कंडीशन में रहते हैं, लेकिन कभी भी वो किसी से अपने अपनी कंडीशन के बारे में कभी भी किसी से वो फरियाद नहीं करते, कभी किसी को कंप्लेन नहीं करते, यानी उनकी जो लाइफ है वो लाइफ में क्या रहते, बिंदास रहते हैं। ओके, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वो अंधेरे में जागते नहीं रहते हैं और अपने सिन यानी उन्होंने जो पाप किए हैं वो पाप पर कभी भी वो पछतावा नहीं करते। उनको जैसे हमसे गलती हो जाती है तो वी आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, लेकिन जो एनिमल है वो कभी भी ऐसा अपनी अंधेरे में वो जागते जागते रहने का मीनिंग क्या, कोई टेंशन उनके मन में कोई टेंशन नहीं होता है कि जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। दूसरा, वो कभी भी अपने पाप के बारे में सोचकर वो कभी रोते नहीं हैं। ठीक, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, तो वो कभी भी किसी को भी ड्यूटी टू गॉड यानी भगवान के बारे में हमारी जो ड्यूटी है वो बताकर किसी को परेशान नहीं करते। कि इन शॉर्ट वो कभी भी, जैसे जनरली पीपल क्या रहते हैं कि अपने बच्चों को या रिलेटिव को भगवान के बारे में कहते हैं और उसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसे एडवाइस देते हैं, लेकिन एनिमल कभी भी किसी को भी ऐसी एडवाइस नहीं देता, किसी को इसमें गॉड ऑफ ड्यूटी टू गॉड कहकर किसी को परेशान नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ, कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं, अपनी लाइफ से सब खुश है। एनिमल को जो भी लाइफ मिली है वो अपनी लाइफ से खुश है, वो कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं है और कभी भी वो क्रेजी या कोई पागलपन वो नहीं करते, इसको जो भी लाइफ मिली उसमें वो ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मैनिया यानी मैडनेस,
कोई भी चीज़ को लेना, उसके माइंड में ऐसा कभी नहीं चलता। नॉट वन नील टू अनदर, वो कभी एक दूसरे के पैर नहीं छूते, एक दूसरे के पैर पर कभी नहीं पड़ते। नॉट टू हिज काइंड दैट, और किसी पर दया नहीं खाते, यानी जो एनिमल्स है वो अपने लाइफ बिंदास जीते, ऐसा नहीं कि वो किसी को हेल्प करे, किसी को अपने पैर पर झुकाए, ऐसा उनका कोई इंटेंशन होता नहीं है। वो अपनी लाइफ से कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, उनको जो भी लाइफ में मिला तो वही लाइफ को अच्छी तरह से क्या करते, बिताते। लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, ओके, तो इतने सालों से जीते आए, यानी एनिमल्स अभी से नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पहले से एनिमल्स है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी एनिमल रिस्पेक्टेबल नहीं है। थाउजेंड ईयर्स से वो एनिमल हमें देखने को मिलते हैं, यानी एनिमल जीते आए हैं, लेकिन वो कोई रिस्पेक्टेबल नहीं और कोई अनहैप्पी नहीं है। ओवर द होल अर्थ, पूरे अर्थ में कहीं पर भी देख लो, कोई भी एनिमल अनहैप्पी नहीं होगा। जैसे इंसान को कहीं भी देखने जाओगे तो इंसान के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बहुत सारे दुख होते हैं। अगर आप उसको दुख पूछना बैठोगे तो इतने सारे दुख बताएंगे कि आपकी बुक भर जाएगी। लेकिन कभी भी कोई एनिमल के साथ बैठोगे तो कभी भी वो आपको अपने दुख बताएंगे नहीं। सो दे शो द रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, ये जो एनिमल है वो अपने साथ रिलेशनशिप दिखाते हैं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन टू माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, तो वो लोग अपनी लाइफ, उनको जो टोकन ऑफ माई सेल्फ, जैसे मैं अपने आप को एक टोकन की तरह रखता हूँ, टोकन का मीन्स है रिप्रेजेंटेशन, ओके, तो मैं अपने आप को जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि भाई ये जो एनिमल है ये इस तरह से होते हैं। देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, उनके पास जो भी चीज़ है, अगर नहीं भी है तो भी वो कभी मांगते नहीं है, और जितनी भी है उसमें से वो अच्छी तरह से रह लेते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, मुझे ऐसा लगता है भाई उनका ऐसा रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगा। डिड आई पास दैट वे हग ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंसली ड्रॉप देम, तो डिड आई पास दैट वे, तो वो सोच रहे कि भी ये जो एनिमल है कि जो इतने खुश है, कभी कंप्लेन नहीं करते, उनके पास जो है उसमें से वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिता रहे, कभी किसी को कंप्लेन नहीं करते, वो कभी अनहैप्पी नहीं रहते, तो क्या ऐसे हर एक इंसान भी रह सकता है। तो एनिमल से हमें क्या सीखना चाहिए कि भाई वॉट एवर यू हैव यू हैव टू बी हैप्पी, नेवर कंप्लेन। आप किसी को पेड़ पर छूने की जरूरत नहीं, आपको किसी को पेड़ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी से पास कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, हेल्प लेनी भी नहीं है, देनी भी नहीं है, तुम अपनी लाइफ अच्छी तरह से जियो। तो ये जो चीज़ है वो हमें एनिमल से सीखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम आपकी कंप्लीट होती है तो उसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझाता हूँ, ओके, ध्यान रखो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस द यूज़ ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स, वॉट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम, तो वो क्या टर्न करना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को जैसे राइट नाउ वो ह्यूमन बींग्स यानी इंसान के साथ रहते, लेकिन वो अपनी लाइफ को टर्न करके एनिमल के पास जाना चाहते हैं। द पोएट इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विथ अदर ह्यूमंस एज ही फाइंड्स देम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, ही वुड रेदर लिव विथ एनिमल्स दैट द सेल्फ कंटेन एंड नॉन कंप्लेनिंग, तो वो सेल्फ कंटेन होते हैं एनिमल्स और नॉन कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, इसीलिए वो उसके साथ जाकर रहना चाहता है, यानी अपने आप को टर्न करना चाहता है। जो अभी तक वो इंसान के बीच में रहता था, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि मैं एनिमल के साथ रहूं। नेक्स्ट, मेंशन थ्री थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट, ऐसी तीन चीज़ों बताओ कि जो ह्यूमंस डू यानी इंसान करते हैं, एनिमल्स ऐसा नहीं करते। तो द पोइट हैज़ ड्रॉन थ्री कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, यहाँ पर पोइट ने थ्री कंपेरिजन बताइए ह्यूमन और एनिमल के बीच में, कि ह्यूमन स्वीट एंड वर्क हार्ड, ह्यूमन क्या करते हैं, पसीना गिराते हैं और हार्डवर्क करते हैं, मेकिंग लेटर वाइन एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू डू सर्वाइव। तो जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, पसीना गिराते हैं, हार्डवर्क करते हैं और बराबर, तो वो इस तरह से रहते हैं, लेकिन जो एनिमल है वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो कभी भी जताते नहीं है कि हम ऐसा करें।
मेंशन दिस थ्री थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट डू, तो ह्यूमंस कर सकते और एनिमल्स नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें बतानी है इसमें से। तो ह्यूमन क्या करते हैं, वो पसीना गिराते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन जो एनिमल है वो ऐसा कभी कुछ करते नहीं है। तो एनिमल्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो कभी भी अपनी जो भी कंडीशन है उसमें वो कंप्लेन नहीं करते, उसको जो भी मिला उसमें खुश रहते। ह्यूमन लाई अवेक, इंसान जिन क्या करते जागते रहते एट नाइट, नाइट को, और क्राई फॉर द रॉन्ग दे हैव डन, उसने जो गलत किया है उस पर उसको पछतावा होता है। एनिमल डू नॉट वीप, एनिमल कभी रोते नहीं है, और एनी थिंग दे डू एंड स्लीप पीसफुली, वो कभी रोते नहीं है और अपनी लाइफ को पीसफुली वो क्या करते बिताते हैं। फाइनली ह्यूमंस मेक ईच अदर सिक बाई डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज ऑफ गॉड, तो इंसान वो बार बार उसकी जो ड्यूटी है गॉड के बारे में ये बता बता कर हर एक को परेशान करते हैं, ये डिस्कस करके परेशान करते हैं। हाउएवर एनिमल्स डू नॉट हैव एनी गॉड एंड दे लाइव इन सर्वाइव विदाउट एनी प्रेयर ऑफ फास्ट, वो कभी भी कोई प्रेयर नहीं करते, कभी कोई फास्ट नहीं रखते, यानी वो वैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। इंसोर्ट कहना चाहते हैं कि इंसान भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इंसान के मन में ये सब चीज़ होने की वजह से वो इस तरह से क्या करता है, गॉड को प्रे करता है, याद करता है, फास्ट करता है, और बहुत सारी जो ड्यूटीज़ है अपनी वो बताता रहता है हर एक को, और ये बताकर इसे परेशान रहता है। डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमन वो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, क्या ह्यूमंस एक दूसरे के पैर में गिरते हैं, ठीक है, नील टू अदर्स, एक इंसान दूसरे इंसान को पेड़ पर पड़ते हैं थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, पहले हजारों साल के पहले की बात है। वो डिस्कस दिस ग्रुप, ओके, ये क्या करो, डिस्कस करो। यस ह्यूमन नील टू अदर ह्यूमन्स वो लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, तो हाँ इंसान एक दूसरे के पैर में गिरता है, जिससे थाउजेंड ईयर्स पहले भी होता था। दे वर्शिप देयर एंसेक्टर एंड प्रे बाय नीलिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पोर्ट्रेट, तो वो क्या करते एक दूसरे के पैर में गिरते और एक दूसरे की पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी पिक्चर, अपने एंसेक्टर है उसकी पिक्चर दिखाते हैं और उसको क्या करते पेड़ छूते, उसके बारे में अलग अलग जो उनकी मान्यता है उसमें बिलीव करते। दे होल्ड रिलीजियन सेरेमनी, वो रिलीजियस सेरेमनी रखते हैं एंड सेरेमनीज इन देयर मेमोरी, और उसकी मेमोरी में उसके याद करने में वो लोग अलग अलग फंक्शन रखते हैं। तो इस तरह से इंसान वो बहुत सारे जगह से, जैसे अलग अलग जो ट्रेडिशन है, अलग अलग कास्ट की जो रीति रिवाज है, तो उसमें वो फंसे रहते हैं, ओके। लेकिन जो एनिमल है वो ऐसे नहीं है, एनिमल बिंदास लाइफ अपनी बिताते हैं, उसको किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो एनिमल के जो एक वर्च्यू से, उसके जो कैरेक्टर से, तो उससे ये राइटर बहुत ही इम्प्रेस है, क्योंकि इंसान है, इंसान के मन में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, लेकिन एनिमल के बारे में वो किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचते हैं, समझे। एनिमल्स होता है क्या होता है कि वो कभी किसी का गलत नहीं सोचता, किसी की चीज़ ले लेने की छीन लूँ, ओके, मैं जो हूँ उसमें अभी मेरी प्रॉपर्टी बढ़ाऊँ, ये सब चीज़ कौन करता है, ओनली ह्यूमन बींग्स करते हैं। इसीलिए ये जो राइटर है जो सोच रहे हैं कि भाई मैं एनिमल के साथ रहने मुझे अच्छा लगता है, ह्यूमन बींग्स के साथ रहूँ इससे बेटर मैं एनिमल के साथ रहूँ, क्योंकि जो एनिमल है उसमें ये अच्छे अच्छे वर्च्यूज है, उसके पास जो भी है वो कभी कंप्लेन नहीं करते, किसी का छीन लेना, किसी का ले लेना, किसी को पैर पर झुकाना, किसी को रुलाना, किसी की क्रिटिसाइज करना किसी को, तो ये सब उसमें जो बोलते हैं अवगुण, ओके, जो एविल थिंग्स है वो उसमें ऐसी होती नहीं है। तो इसीलिए ये जो हमारे पोइट है वो बता रहे हैं कि भाई मुझे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं एनिमल के साथ रहूं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको जो लेसन नंबर 6 था, जो आधा था वो कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने जो पोयम थी वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको ये पोयम के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यही का ये वीडियो आप क्या कर सकते हो, फिर से सुन सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। दूसरा, ये वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी, वो जो पीडीएफ फाइल है तो उसमें आपका होमवर्क रहता है, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।